हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है उमेश एंड गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चार इंस्टाग्राम के क्रिएटिव स्टोरी आइडियाज के बारे में। जी हाँ गाइस, आप भी अगर इंस्टाग्राम स्टोरी को क्रिएटिव बनाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको बताने वाला हूँ चार ऐसे क्रिएटिव आइडियाज के बारे में जिससे आपकी जो स्टोरी है वो काफी कमाल की लगने वाली है, काफी कूल लगने वाली है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर आप नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले क्रिएटिव आइडिया की। तो यहाँ पे आपको स्टोरी पे क्लिक करना है, उसके बाद गाइस आपको कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से मैं कोई भी फोटो कर लेता हूं। तो गाइस ये देख सकते हो मैंने ये फोटो सेलेक्ट कर ली है। अब आपको क्या करना है, यहां पे ऊपर आपको एक ड्रॉ का बटन दिख रहा होगा तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है ड्रॉ के ऑप्शन पर। उसके बाद आपको कोई भी कलर चूज करना है, यहां पे मैं ब्लू कलर कर लेता हूं। उसके बाद आपको कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी स्टोरी पर टैप करके रखना है। तो देख सकते हो ये पूरा कलर गायब हो चुका है। यहां पे आपको एक बार राइट पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद फिर से आपको ड्रॉ पर क्लिक करना है। एंड गाइस यहां पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेकंड वाले ब्रश पर क्लिक करना है, ये ब्रश आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां से आप साइज भी इसकी बड़ी कर सकते हो, तो ये साइज मैंने इतनी कर ली। उसके बाद यहां पे आपको सिंपली ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। तो ये देख सकते हो गाइस हमारा फोटो आ चुका है, यहां से आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है आप। तो गाइस इतना करना है, उसके बाद राइट पर क्लिक कर लेना है आपको, यहां पर ए पर क्लिक करना है, यहां पे अपन कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, यहां पे डन करते हैं और यहां पे आपको इसको रोटेट कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। एंड गाइस उसके बाद आपको क्लिक करना है इमोजी पर और यहाँ से आपको सर्च करना है फायर, और ये देख सकते हो ये फायर आ चुकी है, यहाँ पे आपको इस तरीके से लगा देनी है। ये देख सकते हो गाइस हमारी स्टोरी काफी हद तक क्रिएटिव हो चुकी है। एंड गाइस यहाँ पे आपको फिर से इमोजी पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है यहाँ पे। एंड गाइस यहाँ पे आपको लाइक की इमोजी दिख जाएगी तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद इस तरीके से आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से क्रिएटिविटी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ गाइस, इस तरीके से आप कर सकते हो, और भी आपको ऐड कर लेने हैं इस तरीके से। आपको इसकी साइज थोड़ी छोटी करनी है एंड इसके ऊपर आपको एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस ये देख सकते हो हमारी स्टोरी बनके रेडी हो चुकी है। सो गाइस बात करते हैं दूसरे क्रिएटिव आइडिया की। तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ओपन करनी है एंड यहाँ से आपको कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपको फोटो ओपन करना है जो भी आपने अपलोड कर रखा है। यहाँ पे आपको शेयर का बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद एड पोस्ट टू योर स्टोरी पर क्लिक करना है। ये फोटो हमारा आ चुका है देख सकते हो। यहाँ पे आपको ड्रॉ के बटन पर फिर से क्लिक करना है, यहाँ से आपको व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है या फिर जो भी आपके फोटो का बैकग्राउंड कलर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पर टैप करके रखना है और बैकग्राउंड देख सकते हो व्हाइट हो चुका है। यहाँ पे आपको इस फोटो को थोड़ा छोटा करना है और इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से आपको फिर से ड्रॉ पर क्लिक करना है, यहाँ से गाइस आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रश को थोड़ा छोटा कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको इस तरीके से लाइन बना देनी है, ये देख सकते हो मैंने बना ली, और ऊपर की साइड भी आपको इस तरीके से बना लेनी है। एंड आपको यहाँ पे गाइस इनको फिलअप कर लेना है पूरा इस तरीके से, आपको ब्रश को बड़ा करना है एंड आप इसको फिलअप कर सकते हो। डिजाइन बन चुका है, उसके बाद राइट के बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे ए पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आपको लिखना है न्यू पोस्ट। देख सकते हो मैंने न्यू पोस्ट लिख दिया, उसके बाद यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ये फॉन्ट अपन रखते हैं एंड यहाँ पे एक बार और लिखते हैं न्यू पोस्ट। एंड इसको आपको कॉपी कर लेना है, एक बार कॉपी करके आपको एक बार एंटर करके यहाँ पे नीचे आपको इसको पेस्ट कर लेना है, और चार बार आपको पेस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करना है आपको, और इसको आपको दोनों फिंगर की मदद से इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। आप इसकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पे एक बार फिर से ए पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको वो पेस्ट कर लेना है। ओके सो गाइस आपको ये पेस्ट कर लेना है इस तरीके से, उसके बाद आपको इसको पूरे को एक बार कॉपी कर लेना है, ये कॉपी कर लिया मैंने, इसको बाद डन पे क्लिक करना है और इसको आपको इस तरीके से रोटेट करना है एंड यहाँ पे ऊपर आपको एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस हमारी स्टोरी बनके रेडी हो चुकी है, देख सकते हो। यहाँ पे आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो, इस तरीके से आपको इमोजी देखने को मिल जाएंगे यानी कि जिफ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी सेलेक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पे अपन कोई भी कर लेते हैं एक बार, ये देख सकते हो गाइस इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो अपनी फोटो के ऊपर। तो गाइस बात करते हैं थर्ड क्रिएटिव आइडिया की। तो यहाँ पे आपको फिर से फोटो सेलेक्ट करना है जो कि आपने अपलोड कर रखी है, जैसे यहाँ पे मैंने ये फोटो सेलेक्ट की, उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से शेयर के बटन पर क्लिक करना है, एड पोस्ट टू योर स्टोरी पर क्लिक करना है, और देन आपको वही ड्रॉ पे क्लिक करना है एंड आपको जो आपके फोटो का बैकग्राउंड कलर है वो आपको चूज कर लेना है, या फिर आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं व्हाइट कलर चूज करूंगा, देख सकते हो इस तरीके से, और इस फोटो को आपको एडजस्ट कर लेना है, छोटा करके आपको इस तरीके से लगा देना है। अगर आप किसी को बर्थडे विश कर रहे हो तो आप गाइस इस तरीके से स्टोरी को अपलोड कर सकते हो।
ए पर क्लिक करना है कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए, और एच लिखते हैं अपन। और इसका बैकग्राउंड लाने के लिए हमें यहाँ पे इस ए पर क्लिक करना है फर्स्ट वाले पर, और गाइस आपको जो फर्स्ट वाला फॉन्ट है वही सिलेक्ट करना है इस तरीके से, और डन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, इसको पी लिखना है। उसके बाद फिर से आपको बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद डन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद एक बार और पी लिखेंगे अपन। ये हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको ए पर वापस क्लिक करना है, एंड गाइज यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड में अंडरस्कोर निकालना है और यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देना है, और यहाँ पे आप इसको बड़ा कर सकते हो इस तरीके से। और इसका जो कलर है वो अपन यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं इस तरीके से, और इस लाइन को आपको यहाँ पे एच पे इस तरीके से लगा देना है। इस तरीके से गाइज आपको सब पे लाइन कर लेनी है। ओके सो गाइस ये देख सकते हो चारों पे लाइन लगा दी है मैंने। अब हमें क्या करना है, वापस टेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे गाइस हमें बर्थडे लिखना है, तो बी करके आपको एंटर करना है। उसके बाद आई एंटर करते जाना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको इसका कलर ब्लैक कर लेना है, एंड यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है इसको इस तरीके से। फिर से टेक्स्ट पर क्लिक, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे अपन इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं एंड बैकग्राउंड भी लगा देते हैं इसका। इस ए पर आपको क्लिक करना है और इसका बैकग्राउंड आ जाएगा। यहाँ पे गए सेकंड वाला फॉन्ट रख लेते हैं। उसके बाद डन पे क्लिक करना है, और इसको थोड़ा सा छोटा करना है इस तरीके से, और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको फॉन्ट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको लिखना है हैप्पी बर्थडे, एंड यहाँ पे आपको फॉन्ट जो रखना है वो ये वाला रखना है, और यहाँ से आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है इसको। कलर की बात करें तो यहाँ पे आप ब्लू कलर रख सकते हो। डन पे क्लिक करना है, और इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। ये गाइज हमारी स्टोरी रेडी हो चुकी है। यहाँ से आप और भी क्रिएटिविटी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको लिखना है हैप्पी बर्थडे, और यहाँ पे आपको काफी सारी इमोजी मिल जाएगी, तो आप इस तरीके से गाइज ऐड कर सकते हो। सो गाइज बात करते हैं चौथे क्रिएटिव आइडिया की। तो यहाँ पे आपको फिर से आपकी प्रोफाइल पर जाना है, आपको कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अपन ये फोटो सेलेक्ट करते हैं, एंड यहाँ पे आपको शेयर के बटन पर क्लिक करना है, एड पोस्ट टू योर स्टोरी पर क्लिक करना है। फिर से आपको वही व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है ड्रॉ पर क्लिक करके इस तरीके से, और राइट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे फोटो थोड़ा छोटा लेते हैं अपन, एंड गाइस यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे गाइस ए पर क्लिक करना है आपको, एंड यहां पे आपको फॉन्ट आपको फर्स्ट वाला कर लेना है। उसके बाद आपको ये अंडरस्कोर लगाना है इस तरीके से, एंड यहां पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है, और डन पे क्लिक कर लेना है। यहां पे गाइस इसको लाइन को आपको हाथों से थोड़ी सी बड़ी कर लेनी है इस तरीके से, तो इस तरीके से आप रोटेट करना है आपको, और यहां पे एडजस्ट कर लेना है। देख सकते हो ये 3D टाइप लग रही है। इसी तरीके से गाइस आपको चारों तरफ लाइनें लगानी है। सो गाइस देख सकते हो इस तरीके से आपको 3D लुक मिल जाएगा इसका। अब आपको यहाँ पे ए पर वापस क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया था न्यू पोस्ट वाला, और यहाँ से आपको सेकंड वाला फॉन्ट चूज करना है। डन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इसको रोटेट करना है इस तरीके से, और इस लाइन पे आपको इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है चारों तरफ। यहाँ पे आपको फिर से ए पर क्लिक करना है, इसको पेस्ट करना है, यहाँ पे डन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको इसी तरीके से चारों तरफ कर लेना है गाइस। पेस्ट कर लिया है यहाँ पे, और आप देख सकते हो गाइस स्टोरी काफी हद तक हमारी क्रिएटिव हो चुकी है। तो गाइस आप इस तरीके से अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज को क्रिएटिव बना सकते हो, काफी अच्छी अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें से आपको कौन सी स्टोरी सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे गाइस ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।